हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गार्डन बाय द बे की। गार्डन बाय द बे एक नेचर पार्क है और ये मौजूद है सेंट्रल सिंगापुर में। 101 हेक्टेयर में फैला है ये पार्क। अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो पूरा एरिया 250 एकड़ में आता है। गार्डन बाय द बे मरीना रिजर्वायर से नज़दीक है। पार्क में तीन वाटर फ्रंट हैं, बे साउथ गार्डन मरीना साउथ में है, बे ईस्ट गार्डन मरीना ईस्ट में है और बे सेंट्रल गार्डन डाउनटाउन कोर और कलांग में है। इनमें सबसे बड़ा है बे साउथ गार्डन। इसी हिस्से में है फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट। हमारा ये वीडियो फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट पर ही बना है जो बे साउथ गार्डन में है। दोस्तों, हम जा रहे हैं आज गार्डन्स बाय द बे। सो अगेन, आज भी हम मेट्रो से ही कम्यूट कर रहे हैं जो हमें सबसे ईजी लग रहा है। लॉरेंग चौंग से हमने मेट्रो लिया एंड देर इज़ अ स्ट्रेट मेट्रो जहाँ से आपको गेट डाउन करना है बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन। वहाँ से एग्जिट बी आपको लेना है, लिखा भी हुआ है जो ये रास्ता जा रहा है। एग्जिट बी पार करने के बाद यहाँ से स्टेयर्स हैं, अब यहाँ से जाएंगे हम। सो गाइज, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गार्डन बाय द वे का टिकट काउंटर है। अगर आप जब भी आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं, आप यहाँ पे बारकोड स्कैन कर सकते हैं और आप यहाँ पे काउंटर पे भी जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। डिफरेंस पड़ेगा आपको, अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो मे बी थोड़ा सा चीपर पड़ेगा देन यहाँ पे डायरेक्ट काउंटर से कराने के। अगर आपके साथ बच्चे हैं या फैमिली है तो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक चलता है जिसको आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। समटाइम वो इंक्लूडेड नहीं होता, बट यहाँ पे आप $3 पर पर्सन दे के उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी टिकट पे इंक्लूड करवा सकते हैं। इसके बाद जब आप एंट्री पे जाते हैं तो एंट्री पे वहाँ पे आपका टिकट का जो बारकोड है वो स्कैन होता है, देन आप एंटर कर जाते हैं गार्डन बाय द वे में एंड यू कैन देन एन्जॉय द गार्डन। सो दोस्तों, फाइनली हम शटल सर्विस जो हमने यहाँ पे उतर चुके हैं। अगर आप सामने शटल खड़ी है, वहाँ से उतर के इस तरफ को अगर आप जाते हो सो ये एंट्रेंस है जहाँ से आप क्लाउड फॉरेस्ट एंड फ्लावर डोम का एक्सेस कर सकते हो। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्लाउड फॉरेस्ट 2 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको मिलता है साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में 3300 फीट की ऊंचाई वाले हालात का एक्सपीरियंस। इसमें 42 मीटर यानी 138 फीट का क्लाउड माउंटेन है। एक एलिवेटर आपको ऊपर लेकर जाता है और आप ले पाते हैं इस झरने का मज़ा नज़दीक से। बात करें एंट्री की टाइमिंग की तो यह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। लास्ट एंट्री रात के 8 बजे होती है। द फ्लावर डोम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया था। आपको यहाँ कूल ड्राई मेडिटेरियन क्लाइमेट का एहसास होगा। इसमें आपको चेंजिंग डिस्प्ले का मजा मिलता है और वो है फ्लावर फील्ड, द बाओबाब, स्कूलन गार्डन, ऑस्ट्रेलियन गार्डन, साउथ अफ्रीकन गार्डन, साउथ अमेरिकन गार्डन, ओलिव ग्रोव, कैलिफोर्निया गार्डन और मेडिटेरियन गार्डन। इन 8 गार्डन में आप 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट के फूल पौधों को एक ही जगह पर देख पाते हैं, है ना कमाल की बात। बात करें इसके शेड्यूल की तो यह सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। आखिरी एंट्री 8:30 बजे होती है। महीने में एक बार इसे मेंटेनेंस के लिए बंद रखा जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही जगहें हर उम्र के लोगों के लिए किसी पैराडाइज की तरह हैं। अगर आप सिंगापुर ट्रिप के दौरान यहाँ जाने की प्लानिंग करते हैं तो हम आपको बता दें कि सिंगापुर में मेट्रो यानी मास रैपिड ट्रांजिट की थॉम्सन ईस्ट कोस्ट लाइन पर है गार्डन बाय द बे स्टेशन, और इस गार्डन में पहुंचने के लिए आपको इस स्टेशन पर उतरना होगा। बस सर्विस 400 भी आपको यहां तक लेकर आती है। दोस्तों, अब जानते हैं फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट की एंट्री टिकट के बारे में। फॉरनर्स के लिए एडल्ट और सीनियर सिटीजन कैटेगरी में $28 इसका एंट्री टिकट है। बच्चों के लिए $15 है। बच्चों की कैटेगरी 3 से 12 साल की है। बात करें सिंगापुर के लोगों की तो अडल्ट के लिए ये टिकट $20, सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए $15 और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए $12।
फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट की और भी जानकारी चाहिए हो या यहाँ के नए इवेंट्स का पता लगाना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने गार्डन बाय द बे की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया है। वहाँ जाकर आप फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट की हर बात जान सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए ट्रैवल जुनून और पढ़ते रहिए travel-junoon.com। ये देखिए मेरे बेटे ज़मीन पे लेट गया है। सब दिखा रहा हूँ मैं वीडियो पे, आप कितने गंदे बच्चे हो। देखो इसी पे तो जाना है। तुम ही ला सकती हो, माँ में बहुत शक्ति होती है। देखो आप पैदल चलोगे? नहीं। क्यों? वॉक करो। वॉक करो देखो। मजा।